आज हम बनाएंगे आंवले की चटनी। एक बार बनाइए और महीने भर खाइए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आंवला आधा केजी लिए, इसको अच्छे से धोकर कुकर में डालकर एक सीटी आने तक पका लेंगे और इसका सारा बीज निकाल लेंगे। आंवले का सारा बीज निकाल लिए हैं। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और 2 चम्मच घी डालेंगे। जीरा, दालचीनी, लौंग, अदरक और 4 कुटा हुआ इलायची डालकर अच्छे से पकाएंगे। अब आंवला भी डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे। आंवले को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट से भी कम में सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम 1/2 केजी गुड़ डालेंगे। जितना हम आंवला लेते हैं उतना ही हम गुड़ लेंगे, या चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ वाला बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आंवला मार्केट में बहुत कम आने लगा है, इसीलिए सोचे आप लोग के लिए एक बार आंवले की मीठी चटनी शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद 5 मिनट तक और पकाएंगे। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। चटनी बनके हो गया है रेडी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने चटनी बनाने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।